राजधानी दिल्ली को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तापमान में बढ़ोतरी पिछले दो दिनों से दर्ज की जा रही है। आज क्या हालात हैं, आज मौसम कैसा है, ये हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम अभी मौजूद हैं मौसम विभाग के सामने, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं उच्चतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। और साथ ही साथ आज कोहरा भी देखने को मिल रहा है, खासतौर से सुबह के वक्त घना कोहरा था जिसकी वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा था, लोगों को परेशानियां हो रही थी। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हल्की धुंध आपको नजर आएगी। अभी पिछले कुछ दिनों से ठंड का स्तर जो है वो गिरते जा रहा है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है पिछले दो दिनों से, लेकिन साथ ही साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है वो है प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 है, परसों की अपेक्षा कल बढ़ा, कल की अपेक्षा एक बार फिर से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें गिरावट आई है, यानी कि हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे जो प्रदूषण का स्तर था जिसको कंट्रोल करने के लिए तमाम चीजें हो रही थी, एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हालात नोएडा के हैं, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर में चल रहा है 525, ऐसी हवा जो कि सांस लेने लायक नहीं, ऐसी हवा जो कि आपके लिए जानलेवा है। एनसीआर में स्थिति अभी एक बार फिर से बिगड़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में भी हालात प्रदूषण को लेकर के बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आगे मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंड में कुछ और कमी आएगी, लेकिन साथ ही साथ कोहरा बढ़ेगा और कोहरे के साथ प्रदूषण भी एक समस्या बनकर के लोगों के सामने आ रहा है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।